हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास में पहली बार कन्या राशि वालों को मिलेगा सात वरदान। सात वरदान एक साथ कन्या राशि वालों को मिलने जा रहा है। मित्रों मित्रों, ये जो राशि फल है हमारा, वो राशि फल जनवरी 2021 का राशि फल है। कन्या राशि वालों का अब समय बदल रहा है। मित्रों, ये जो मैं बता रहा हूं वो एक सामान्य सी गणना पर आधारित है, जिसमें आपके बारे में हर वो चीज बताने का प्रयास करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म अगर कुंडली आप हर अथवा जगह से हस्तरेखा के परेशान हो अनुसार चुके हैं, जानना आपके चाहते हैं, जीवन तो में आप आपको मुझसे कहीं से संपर्क कोई कर आशा की सकते हैं। किरण नहीं दिखाई इसमें दे रही संपर्क है, आपको सूत्र है लग आपके रहा है पास, कि व्हाट्सएप हमारा नंबर सेवन भविष्य जीरो अब सिक्स टू अंधकार हो सेवन गया फाइव है। सेवन तो अपने डबल नाइन भविष्य के सिक्स बारे में जानने के लिए एक बार फिर जरूर तीन संपर्क सौ करें। पाँच सौ जन्म सात कुंडली सौ और और हस्तरेखा ग्यारह सौ आपके रुपये है, विशेषज्ञ जिसमें आप से अलग अलग चार्ज जाने जमा अपने करके भविष्य की जानकारी हर प्राप्त बातें, कर हर सकते हैं। समस्या का समाधान। आइए अब वक्त को व्हाट्सएप नंबर बर्बाद किए सेवन बिना जीरो सिक्स सीधा टू कन्या सेवन राशि फाइव वालों सेवन की विषय पर मैं चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि उनके लिए ये समय कैसा रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों, कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं वो पृथ्वी तत्व के होते हैं। तत्व उनका पृथ्वी होता है, यानी कि वो काफी सहनशील होते हैं। सहनशीलता उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर, कन्या राशि वालों के अंदर कमाल की होती है, अद्भुत होती है। और आपको बता दूं कि कन्या राशि के लोग जो होते हैं वो थोड़े से शर्मीले किस्म के होते हैं। थोड़ा सा शर्मीला, थोड़ा से पर्दा में रहना, थोड़ा सा ज़्यादा किसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना, ये सब उनको ज़्यादा पसंद होता है। और कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो द्विस्वभावी होते हैं, यानी कि इनका स्वभाव जो है सो दो रंग का होता है, यानी कि कभी हाँ तो कभी ना, कभी ना तो कभी हाँ, ये इनका स्वभाव होता है। कभी ये काम करना है तो कभी ये काम नहीं करना है, यानी कि दो टाइप का स्वभाव, डबल नेचर इनका होता है, द्विस्वभावी होते हैं ये। आइए, ये कुछ थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी हमने आपको दी, अब हम चर्चा करते हैं जनवरी 2021 के बारे में। मित्रों, वर्ष 2020 खत्म हो रहा है। यह वर्ष सभी लोगों के लिए, विशेषकर कन्या राशि वालों के लिए, ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में हम 2021 के आने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह वर्ष 2020 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा, उसी तरह हम सभी 2021 के सुकून भरा पल मान करके उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम सभी नए साल में नई नई चीजें जो हैं सो प्राप्त करेंगे इस वर्ष। और आपको बता दूं कि यह समय कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा कुछ मामलों में परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये बेहतरीन रहेगा। बहुत अच्छा समय है शुरुआती समय, क्योंकि इस समय में कन्या लग्न से ही इस महीने की शुरुआत हो रही है, अथवा इस वर्ष की ही शुरुआत हो रही है। कन्या लग्न के कारण लग्न व कार्य क्षेत्र के स्वामी का होकर बुध और सूर्य के साथ शुक्र स्थान में बैठना और एक बुधादित्य योग बनाना, ये भी आपके लिए जो है सो बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। यानी कि इस वर्ष कन्या राशि वाले आपके कुंडली में जनवरी 2021 में बुधादित्य योग भी बनाया जा रहा है, जो कि सुख के स्थान में बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से आपको सभी सुखों की इस महीने प्राप्ति होनी तय है। जो आपके कार्य के लिए, आपके कैरियर के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आप अपने कैरियर में, अपने काम में, अपने बिजनेस में चार चांद लगाएंगे इस बुधादित्य योग के कारण। मित्रों, सूर्य की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ने से कार्यों में सफलता, धन लाभ दिलाने के साथ ही वैवाहिक जीवन व व्यापार करने वालों
के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है और आपके वैवाहिक जीवन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए भी कमाल का ये समय रहने वाला है। प्रेम करने वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, आपका अफेयर अच्छा चलेगा, आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलेंगे और इतना ही नहीं आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। साल का आगाज आपके लिए शानदार तरीके से हो रहा है, अब आप इसके स्वागत करने के लिए सिर्फ तैयार रहें। मित्रों, अब ये वो बात हुई जो आपको पसंद है, लेकिन मैं थोड़ी सी वो बातें भी बता देता हूं जो शायद आपको पसंद आए। सब मामलों में अच्छा रहेगा, बहुत कुछ आपके पास आएगा, लेकिन उन सब चीजों के आने के बावजूद आर्थिक स्थिति में, पैसों के मामले में थोड़ी सी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ेगा। सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा जब ज्यादा आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब हमें सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो हम पर में परेशानी किसी वक्त आ सकती है। आपको अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अधिक परिश्रम इस महीने में करना होगा, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करेंगे तभी जाकर के आपको आपका स्वाभिमान बचा रहेगा। छात्र जीवन की अगर बात करें तो छात्रों के लिए विशेष संघर्ष का ये समय है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा ही सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। नौकरी में किए गए प्रयास निरर्थक हो जाएंगे, आप हर कदम फूक फूक कर रखें तो बेहतर रहेगा। समझदारी से मेहनत करें और अपने लिए व दूसरों के लिए भी सही रास्ते का निर्माण करें। आपको कुछ अलग प्रकार के प्रयास करने की भी इस समय में आवश्यकता है, तो आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। मित्रों, मस्तिष्क और बुद्धि की अगर बात की जाए कि आपका दिमाग कितना चलने वाला है, तो इस महीने में आपकी मस्तिष्क और बुद्धि कमाल की काम करने वाली है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपका साथ भी देगा। दूसरा है कि आपका धन के मामले में समय कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आमदनी बहुत होगी, लेकिन अगर आपने खर्च पर में कंट्रोल नहीं किया तो धन के मामले में समय उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। तीसरा है कि भाई बहन के साथ संबंध कैसा रहेगा, तो बता दूं कि भाई बहन के साथ संबंध आपका अच्छा रहेगा। चौथा है कि माता भूमि और भवन का सुख आपको कैसा प्राप्त होगा, माता के संबंध के साथ आपका संबंध बढ़िया रहेगा। भूमि और भवन की जहां तक बात है तो वो आपके लिए सामान्य रहेगा, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा खराब। विद्या और बुद्धि की अगर बात की जाए, संतान विद्या की, तो उस मामले में भी आप कमाल करने वाले हैं, कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दुख कष्ट रोग पीड़ा की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, आपके व्यवसाय की बात की जाए, तो आपका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहेगा, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा और प्रेम संबंध भी मिला जुला करके ठीक ठाक ही चलेगा। जीवन और मृत्यु की बात की जाए, पूरा तत्व की बात की जाए, तो आयु में वृद्धि होगी, पुरातत्व का लाभ मिलेगा और आप पर में कोई बड़ी संकट नहीं आने वाली है। हाँ, सामान्य छोटी मोटी तो चलती रहती है, जिसको आप संभाल लोगे बड़े ही चतुराई के साथ। भाग्य का भी सपोर्ट आपको इस समय में मिलेगा, और अगर अब हम धर्म की बात करें तो धर्म का भी आप पालन करेंगे, दान पुण्य भी आप जरूर करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि अगर आप पिता, राज्य और व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो पिता के साथ संबंध आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा, मिला जुला के ठीक ठाक। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। आय और लाभ की बात की जाए
तो पैसे आएंगे बहुत, लाभ भी पर्याप्त मात्रा में होगा। खर्च व्यय हानि और दंड की अगर बात की जाए तो पैसे जो बहुत आएंगे वो खर्च भी बहुत होंगे। लॉस होने की संभावना तो ऐसे कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा, और दंड के मामले में विशेष करके छात्रों को थोड़ा संभल करके रहने की आवश्यकता है। तो ये थी कन्या राशि वालों की जनवरी 2021 की राशिफल, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और मित्रों आप हमारे वेबसाइट misraforyou.com को एक बार जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करें और एक बार वहां पर में जाएं, देखें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपके लिए वहां पर में नहीं अवेलेबल है वो मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।